डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे दिया है, ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव है और जो कि एग्जाम में आया हुआ आपके एसबीटी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चंस है उसी को हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, समझिएगा। जैसे बोल रहा है पहले मैंने जो भी सेट्स लिखा है 6 क्वेश्चन, ये ऑर्डर और डिग्री वाला सिंपल क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है बाबू, मैंने पढ़ाया है आपको ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है, आपने पढ़ा है ऑलरेडी ऑर्डर क्या होता है डिग्री क्या होता है। ऑर्डर हम लोग बोलते हैं किसको, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, और उसके होल पे जो पावर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो बेसिकली यहाँ पे ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स है, यानी इसका ऑर्डर तो हो गया बाबू 2, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है। अब इसके ऊपर जो पावर है यानी मेरा डिग्री भी 2 हो गया, अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें 2 2 है, बी नंबर है, तो बी नंबर मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसी तरह से थर्ड वाला क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आता है, बोला ऑर्डर एंड डिग्री। अब इसमें देखिए ऑर्डर तो आपको क्लियर है कि ऑर्डर इसका होगा 2, ऑर्डर 2 क्यों होगा बाबू, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है तो ऑर्डर 2 होगा। लेकिन डिग्री यहां पे 1 नहीं होगा, क्योंकि इससे पावर 1 है, ऐसा मतलब नहीं कि डिग्री 1 हो जाएगा, हमको इधर भी देखना होगा कि इधर रूट में दिया हुआ है, तो कभी भी इक्वेशन जो होता है ना उसका वेरिएबल रूट में नहीं होता है। तो ये बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे वेरिएबल है, ये रूट में नहीं होना चाहिए, तो रूट हम लोग यहां से हटाएंगे, तो जब रूट को इधर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट को जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट इधर आएगा तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मतलब हो गया कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे होल पावर कितना है 2, यानी इसकी डिग्री है 2। तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि कहीं पे अगर रूट या बटा में पावर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे उसके बाद बनेंगे। तो इसका डिग्री ऑर्डर हो गया 2, डिग्री 2, कौन सा ऑप्शन है जी, सी नंबर, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2 ऑर्डर और डिग्री 1 देख के मार देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है, समझिए। थर्ड नंबर बोल रहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन, देखो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। तो भैया ऑर्डर तो मेरा क्लियर हो गया कि 2 है, ऑर्डर तो क्लियर हो गया, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे ये जो 3/2 है, 3 का मतलब क्यूब हो गया और 1/2 मतलब पावर 1/2 है, रूट है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 1/2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जब यहां का 1/2 यहां आएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, रूट इक्वल टू के इधर आता है तो स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर उधर को जाता है तो इक्वल टू बन जाता है, तो यहाँ पे 1/2 का मतलब ओवर रूट है, रूट इधर आके स्क्वायर बन गया, और इधर क्या बच गया मेरे पास 1+dy/dx का होल स्क्वायर का होल क्यूब, ये मेरे पास बच गया। तो हमको तो देखना होता है कि जिसका मेरा जिसका ऑर्डर ले रहे हैं उस पे जो हाईएस्ट पावर है, तो ऑर्डर 2 हाईएस्ट पावर भी इस पे 2 है, तो यानी हो गया 2 एंड 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड फोर्थ नंबर देखते हैं, बोलते हैं बाबू मेरा दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब इसमें देखिए ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है, तो मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 3, इसमें सिर्फ ऑर्डर पूछा है तो हमने ऑर्डर 3 लगा दिया, इसमें डिग्री हमसे नहीं पूछा है। उसी तरह का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बोला द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो कौन हाइएस्ट है, ये वाला, यानी हाइएस्ट ऑर्डर है 2, ऑर्डर है 2, और इसमें जो पावर है वो है डिग्री, डिग्री कितना है 5, यानी 2 एंड 5, ऑप्शन नंबर 1 मेरा यानी ए ऑप्शन आंसर हो गया। उसी तरह से यहां देखेंगे द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या है बाबू डिग्री 3, ऑर्डर मेरा 3 है, और डिग्री क्या होगा, इस पे जो पावर है, इस पे पावर नहीं देखेंगे, इस पे पावर, हाइएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होता है कितना है 2, तो 3 2 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चन थे डिग्री एंड ऑर्डर के, आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन का, जो ऑब्जेक्टिव में पूछता है उसको हम कैसे बना पाए ताकि मेरा आसानी से बन भी जाए और टाइम भी कम लगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले इसको छाप लीजिए फिर वो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। आप लोग आते हैं वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, 5000-6000 वीडियो पे व्यू है और लाइक 200-250 रहता है, तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ ऑड ऑर्डर और डिग्री वाला क्वेश्चन है, देखते हैं, 2018 में आया हुआ है, बोला द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वो ऑर्डर क्या है, ऑब्वियस सी बात है 2 है और डिग्री भी की 2 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2 कौन सा है, बी ऑप्शन मार दिया। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सिर्फ ऑर्डर पूछा है, ये स्क्वायर है और ये डी वाई बाई डी एक्स, ऑब्वियस सी बात है 2 मार दिया, कहानी खत्म, ठीक
ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां से आते हैं, यहां से जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें सॉल्यूशन निकालना होता है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है दिया हुआ है। यहां पर बनाते हैं, सॉल्यूशन दिया हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बोला है कि ए और बी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, बताना है आपको सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल, सबसे पहले दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट होगा। देखो तो यहां पर तो तीनों दो बार वाला डिफरेंशिएट है, तो डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। डीवाई बाई डी एक्स करेंगे, क्या आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होता है मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं दो बार डिफरेंशिएट, क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा कॉस का माइनस साइन एक्स और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो बच्चा मेरा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस कॉमन लेंगे यहां से, तो बचेगा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, जो कि मेरे पास गिवन था वाई, यानी मेरे पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बचेगा माइनस वाई, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको अगर फॉर्मूला आएगा तो एक लाइन में डिफरेंशिएट करके लिख दोगे, क्योंकि हम आपको समझाने के लिए, इसलिए मेरे को एक मिनट से ज्यादा टाइम लगा, आप एक बार में डिफरेंशिएट कर लोगे। इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि डिफरेंशिएट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, ये इसके कर्व का इक्वेशन चाहिए हमको, इसके y बराबर क्या है, ए ई का पावर x प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए ई का पावर x तो वैसे ही रह जाएगा, इसका माइनस आके मल्टीप्लाई होगा बी ई का पावर माइनस एक्स। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जैसे वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसका फिर से माइनस आके मल्टीप्लाई होगा और ये फिर से वही वाई आ गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है, बी ऑप्शन होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है, जो आप हार्डली एक मिनट के अंदर में, यानी 30 सेकंड 15 सेकंड में बना सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। तो ये सिंपल प्रॉब्लम था सॉल्यूशन निकालने वाला, इसको छापिए, फिर और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। इससे पहले हमने ऑर्डर वाला और डिग्री वाला क्वेश्चन देखा था, अब हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें हम लोगों को फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे मान लो ये 11 नंबर क्वेश्चन है, 2009-2011 में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो इसमें आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एक है, तो ये एक बार डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा, वाई स्क्वायर का 2y dy by dx बराबर 4a, x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैंने आपको बताया है, याद होगा आपको, कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट उसके अंदर में नहीं होना चाहिए, यानी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट यहां पर मेरे पास a है, बेसिकली 4a को हम रिप्लेस कर देंगे, 4a बराबर यहां से क्या है, देखो तो ए वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो यहां से हम लिखेंगे 2y dy by dx बराबर 4y के जगह, 4a के जगह पे लिखेंगे y स्क्वायर बाई एक्स। बच्चा मेरा ये स्क्वायर से ये y खत्म हो गया, तो बेसिकली आपके पास बच क्या गया, आपके पास बच गया 2dy by dx बराबर y बाई एक्स। तो बेसिकली इसको लगे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए मेरा कौन सा आंसर है, उस हिसाब से आप आंसर देख लीजिए, ये मेरा फर्स्ट वाला आंसर है, इसको लगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x dy by dx, और ये y इधर आएगा तो माइनस वाई बराबर जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर वन इज माई आंसर। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं, आपको पहले भी मैंने बताया है। उसी तरह का एक क्वेश्चन यहां पर भी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 2010 में आया हुआ बाबू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y बराबर दिया हुआ है सी ई का पावर माइनस एक्स। जब dy वाई बाई डी एक्स करेंगे, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली बात है, एक ही आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है c, dy वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या आएगा, सी ई का पावर माइनस एक्स, और माइनस यहां लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो सी ई का पावर माइनस एक्स है, इसको इसकी वैल्यू हम लोग को y दी हुई है, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस वाई। तो अब आप आंसर देख लीजिए कौन सा होगा, dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर जीरो, यानी इक्वेशन वन, वन इज माई आंसर। समझ वाली बात, इसी तरह से अगला देखते हैं, बुल्ला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चा मेरा इसमें भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सिर्फ एक है, a एक बार डिफरेंशिएट होगा, एक्स स्क्वायर का टू एक्स
वाई स्क्वायर का 2y dy by dx बराबर क्या हो गया 0। 2 कॉमन निकाल के उधर फेंक दीजिए, क्या बचेगा x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स बराबर 0। देखिए कौन सा ऑप्शन है, x प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। दोबारा डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक है, जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, ये 2018 में रिसेंट आया हुआ बाबू, बोल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, क्वेश्चन बोल रहा है कि c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, c सिर्फ एक लौता आर्बिट्री कांस्टेंट है। हालांकि अगर ये लाइन यहां नहीं लिखता तो यहां दो आर्बिट्री कांस्टेंट था m और c, तो अगर ये नहीं लिखा है कि कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो यहां पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, एक m दूसरा c, तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx फिर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। बट यहां पे हमको दे दिया है कि एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है वो है c, तो हम एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे dy by dx करेंगे, mx का m हो जाएगा c का 0, तो मतलब dy by dx बराबर m, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस बात का हम ख्याल रखते हैं कि कितना आर्बिट्री कांस्टेंट दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है कि कौन सा आर्बिट्री कांस्टेंट है तो जो आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिखेगा उसको आप मान लेंगे, लेकिन अगर कहीं पे दे दिया कि सी ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, एम को आर्बिट्री कांस्टेंट कंसिडर नहीं करना है, तो इन दैट केस आप उसको एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मान के यानी एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आई और कुछ सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस देखते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, छापिए इसको। आइए वो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन वाला, हम क्वेश्चन देख रहे हैं सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे एक क्वेश्चन है 2002-2011 में आया हुआ है, बोल रहा है क्या, देखिएगा बोल रहा है dy by dx बराबर y दिया हुआ है, ठीक है, तो बच्चा मेरा ऑब्वियस सी बात है y को नीचे लाएंगे, dy के साथ वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे और ये हो जाएगा dx, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, dy का मतलब हो गया log y बराबर x प्लस सी, यानी log y बराबर x प्लस सी, तो log y बराबर x प्लस सी तो कोई आंसर मेरा है नहीं, तो हम क्या करेंगे log को उधर भेज देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा e का पावर x प्लस सी, log इक्वल टू के उधर जाता है तो e बन जाता है, एक्सपोनेंशियल बन जाता है, log इक्वल टू के उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन गया और ये सब उसके पावर में आ गया, तो y बराबर e का पावर x प्लस सी, ऐसा कोई ऑप्शन है, है k है कांस्टेंट, c की जगह पे इसने k लिया है, तो y बराबर k e का पावर k प्लस या x प्लस k, मेरा आंसर हो गया x प्लस सी, जो भी है, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दूसरा आता है, ये भी क्वेश्चन 2010-2017 दो बार आया बाबू, बोल रहा है dy by dx बराबर y by x, सिंपल है, x को और y को dy के पास और x को dx के पास, तो x इधर था dx को यहां ले गया, y को यहां ले आया, वो साइड इंटीग्रेट कर देंगे, dy by y क्या होता है log y, dx बटा x क्या होता है log x प्लस log c। मैंने आपको बताया था कि जब सब में लॉग लगता है तो कांस्टेंट में भी क्या होता है लॉग लगता है, अब यहां से ये क्या आ जाएगा वाई बराबर एक्स बाई सी, वाई बराबर एक्स बाई सी, सी को ले आके मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां पे बेसिकली मेरे पास बचेगा क्या, एक्स बराबर वाई इंटू सी, एक्स बराबर वाई इंटू सी, तो यहां से मेरे पास वाई बराबर एक्स बाई सी या एक्स बराबर वाई इंटू सी आया, तो अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन में तो ऐसा कुछ नहीं मेरे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इस x को नीचे लाके y बाई एक्स बराबर सी दिया हुआ है, तो अगर हम इस x को नीचे लाएंगे तो बेसिकली y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा c, तो ऑप्शन नंबर c हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसका निकालना है, वो इक्वेशन दिया हुआ है ds बटा dt बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2, इसका हम लोग को पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है जब t बराबर 3 है और s बराबर 36 है, t को उधर ले जाएंगे ds बराबर क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 dt, इंटीग्रेट कर देंगे ds का इंटीग्रेशन s, 3t स्क्वायर का क्यूब बाय 3 और 2t, ये तो कर दिया, यहां से मेरे पास क्या आ गया प्लस c, ठीक है। अब हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है बाबू, पार्टिकुलर सॉल्यूशन कितने पे निकालना है, जब s 36 है t 3 है, यहां 36 रखेंगे और यहां 3 रखेंगे, 3 का मतलब कितना हो गया 3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 3 प्लस सी, यानी बेसिकली मेरे पास क्या आ गया 36 27 और ये कितना आ गया 6 प्लस सी, यानी ये 33 हो गया, उधर जाएगा c का वैल्यू आ गया 3,
तो मतलब मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सी का वैल्यू 3 आ गया, तो अब यहाँ जो मेरा सॉल्यूशन आया था उसमें सी का वैल्यू रख देंगे, एस बराबर टी क्यूब प्लस 2t प्लस 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आते देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, टी क्यूब प्लस 2t प्लस 3, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हूँ, देखिए क्या है मेरा 18 नंबर क्वेश्चन में बोला है, सॉल्यूशन ऑफ y dx माइनस x dy बराबर 0। तो बेसिकली क्या होगा, हम dy को ले जाएंगे उधर, तो y dy बराबर x dy इधर जाएंगे और ये y dx इधर ही रहेगा, लेकिन हमने इधर उधर लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहां से dy के पास y आ जाएगा dy बाई y, और x चला जाएगा dx के पास dx बाई x। इंटीग्रेट करेंगे बच्चा मेरा, dy by y का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, और dx बटा x का क्या होगा, log x प्लस log c, यानी बेसिकली y बराबर क्या आएगा, xc। ठीक है, ये कैसे हुआ, हमने log दो साइड से हटा दिया, log y बराबर हो गया log x इंटू c, और ये log हट गया तो y बराबर आ गया cx। अब लेकिन यहाँ पे मेरे पास देखते हैं ऑप्शन में, तो मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ x बराबर cy, यहाँ y बराबर सी एक्स आया, तो ये उल्टा कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप x बराबर भी सी वाई लिख सकते हो, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ये जो बनाया है ना, वो बेसिकली इस तरह से बनाया है कि x dy को ये जो टर्म है इसको इधर इधर, इसको इसको इधर रखा, उसको उधर ले गया, तो उस तरह से उसने बनाया है। तो आप वैसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप dx को सिर्फ इधर रखेंगे, dx बराबर उधर ले जाएंगे dy को, तब यहाँ पर जब आप इसको dx बटा x लिखेंगे और इसको dy बटा y लिखेंगे, तो यहां से जब इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा, यहां log y आएगा, log y प्लस log c हो जाएगा, तो यहाँ x बराबर y c आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बेसिकली हम लोग y को इधर लिखते हैं, बट ये ऑप्शन क्योंकि उस तरफ दिया, तो हम लोग ये वाला सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन बनाने का तरीका ये होता है। ठीक है, ये करेक्ट तरीका है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर हम इस तरह से ही बना सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बने रहिए, लास्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बोला है, जैसे बोला है सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, दिखा जाए, बोला है क्वेश्चन नंबर 19 में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 2017 में आया हुआ, बाबू रिसेंट है, sec स्क्वायर tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy बराबर 0। हम क्या करेंगे, dy वाले को इधर ही छोड़ देंगे, sec स्क्वायर y tan x dy को इधर छोड़ देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। अब हम y वाले को एक तरफ कर लेंगे, x वाले को एक तरफ, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y by tan y dy बराबर माइनस sec स्क्वायर x by tan x dx। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे आपको, ठीक है, नीचे वाले को z मानों के ऊपर आ जाएगा, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y होता है, यानी बेसिकली आएगा log tan y बराबर, यहां से क्या आएगा, माइनस log tan x प्लस log c, है ना, log c या log k कुछ भी ले सकते हैं आप कांस्टेंट की जगह पे, तो यहां से क्या आएगा, log tan y बराबर, ये log m माइनस log n है, तो क्या हो जाएगा, log c बाई tan x। ठीक है, तो यहां से log log खत्म हो गया, तो क्या बचा, tan y बराबर c बटा tan x, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी tan x इंटू tan y बराबर क्या हो जाएगा, c। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये 19 नंबर क्वेश्चन था, देखो ये सॉल्यूशन है बी नंबर, तो बी नंबर ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल से आता है, तो वेरिएबल सेपरेबल लगा के हमने सॉल्व कर दिया। और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए देखो बोला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है मेरे पास दिया हुआ है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y बराबर एक्स का पावर 6। सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन में लिखते हैं, dy by dx plus py बराबर q, तो यहां से x हटा देंगे, तो x से सब में डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 4 by xy बराबर x by 5, सब में x से डिवाइड कर दिया। अब मेरे पास यहां से p क्या है, 4 by x, और q क्या है, x का पावर 5। तो हमको सॉल्यूशन तो निकालना नहीं है, क्यू की जरूरत नहीं है, हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए। तो if बराबर क्या होता है, e का पावर पी डी एक्स, e का पावर पी, पी की जगह पे 4 by
फोर बाई एक्स डी एक्स, यानी क्या हो गया e का पावर 4, 1 बाई एक्स का होता है log x, बाबू मेरा ये चला जाएगा ऊपर, e का पावर log x का पावर 4, e का पावर log खत्म हो जाता है, यानी x का पावर 4, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या आएगा x का पावर 4, तो हम यहाँ पे x का पावर 4 मान लेंगे, ठीक है। तो इतना बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ यहाँ देखेंगे यहाँ 4 है और x आके नीचे डिवाइड हो रहा है, यानी 4 बाई एक्स है, तो आप डायरेक्ट यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे e का पावर 4 बाई एक्स, और इसको आप जानते हैं e का पावर log x हो जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर में पावर में, तो 4 e का पावर log का पावर x, 4 e का पावर log खत्म हो जाता है, x का पावर 4 उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन है, बोला डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसमें से कौन सा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका डिग्री ऑर्डर दोनों 1 है। इसका देखो ऑर्डर तो 1 है लेकिन डिग्री 2 हो जा रहा है, इसका डिग्री 2, इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, और डिग्री तो 1 है लेकिन ऑर्डर 2 हो जा रहा है। यहां देखो डीवाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1, इसको उधर ले आकर इधर लाके डिवाइड कर दोगे तो डीवाई बाई डी एक्स आ जाएगा ना, तो यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। आपको देखना है कि ऑर्डर भी 1 हो और डिग्री भी 1 हो, तो इस हिसाब से मेरा सी नंबर ऑप्शन होगा। आते वहां इसका भी हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होगा, देखिए सॉल्यूशन निकालना है किसका, डीवाई बाई डी एक्स बराबर e का पावर x प्लस वाई। तो बच्चा मेरा वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं e का पावर x इंटू e का पावर y, या के नीचे डिवाइड होगा dy बाई e का पावर y बराबर e का पावर x dx, dx ले आएगा मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेट कर देंगे, ये ऊपर जाएगा क्या आएगा माइनस e का पावर y e का पावर x, तो जैसे वैसे रहेगा प्लस c। ऐसा कोई ऑप्शन है जी, देखिए है यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ बी नंबर, तो डायरेक्ट ऑप्शन मान लिया, नहीं रहता तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग निकालते, बट यहाँ डायरेक्ट दिया होता हमने उसको टिक कर दिया। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मेरा 23 नंबर क्वेश्चन जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, बाबू समझिएगा बढ़िया से। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स बराबर मेरे पास दिया हुआ है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल से प्रबल लगाएंगे, ये रूट अंडर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स बटा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dx ऊपर चला जाएगा dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे। dy by रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चा, साइन इनवर्स x, और ये क्या होता है साइन इनवर्स y प्लस c, यही होगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से मेरे पास जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर c, देखेंगे ऑप्शन कौन सा है। देखो यहां पर जो है ना ये वाला जो दिया हुआ है ये प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, माइनस होगा तो हमारा ये आंसर होगा, और अगर माइनस नहीं होगा, देखो जैसे ये माइनस होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्वेश्चन ये है तो यहाँ माइनस होना चाहिए तो मेरा ये ऑप्शन होगा, और अगर यहाँ प्लस होगा तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक क्या चेंज हो गया हो जाएगा, प्लस बराबर जीरो हो जाएगा तब इसका आंसर प्लस में आएगा, और अदरवाइज जो पहले क्वेश्चन था उसमें माइनस में आएगा। तो अगर हम प्लस में क्वेश्चन कंसीडर आंसर कंसीडर कर रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा, ये प्लस में हो जाएगा, और जब ये प्लस में होगा तो उस साइड जाकर के यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इन डायरेक्ट केस यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, या तो क्वेश्चन ये होगा प्लस होगा, और अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, तो आई थिंक ये सब प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ भी प्लस का साइन हो रहा होगा, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया होगा छापने में, ऐसा दिक्कत हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये सारा डिफरेंशियल इक्वेशन का वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स के टाइम में, अभी तो एग्जाम आपका जनवरी में होने वाला है, तैयारी करते रहिए एग्जाम्स की, ठीक है। अभी रेगुलर वीडियोस आएगा, भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्टिव भी आएगा, इंटीग्रेशन का भी सब्जेक्टिव आएगा, तो वेट कीजिए वीडियोज का, और बाबू मेरा वीडियोज ज्यादा से ज्यादा तभी आएगा जब वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कॉलेज के सारे ग्रुप्स में आप मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर देख रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा, और ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।